First of all, I am introducing myself. I am Dr. Yogesh Mittal, Dr. Professor Yogesh Mittal, retired. Today my topic is what is a scale. आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि मापक क्या है, मापनी क्या है और स्केल क्या है. जब धरातल की किसी दूरी को मानचित्र पर किसी अनुपात में प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसको मापक कहते हैं, मापनी कहते हैं, स्केल कहते हैं. जैसे धरातल पे दूरी 1 मील, 1 किलोमीटर, 1 फरलांग, 1 इंच, 10 मील. इसमें धरातल पे जितनी भी दूरी होगी उसको मानचित्र पर प्रदर्शित करना किसमें, किसी अनुपात में, वो मापक कहलाता है. डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इन सम प्रपोर्शन ऑन मैप इज ए स्केल. मापक के अनुपात को बताने के 3 रूप होते हैं. टाइप्स ऑफ स्केल 3 प्रकार के होते हैं. इसमें पहला स्टेटमेंट ऑफ स्केल. मापक के अनुपात को बताने के 3 रूप होते हैं. पहला स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरा RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, और तीसरा लीनियर स्केल. कथनात्मक रूप, उपलक्षक भाग और रेखिक रूप. कथनात्मक रूप, जब हमने धरातल की दूरी कितनी दूरी मानचित्र पर किस अनुपात में प्रदर्शित करनी है, अपन ने कह दिया, निश्चित कर ली कितनी दूरी किस अनुपात में मानचित्र पर प्रदर्शित करनी है. जैसे 1 इंच बराबर है 1 मील के, अर्थात 1 मील धरातल की दूरी मानचित्र पर 1 इंच में प्रदर्शित करनी है. इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करनी है. इसमें जब दूरी मील में होगी तो इंच लेंगे, दूरी किलोमीटर में होगी तो सेंटीमीटर लेंगे. इसकी विशेषताएं जैसे आप देख रहे हैं कि बीच में पहला माप की इकाई अलग अलग है, इंच है, मील है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, माप की इकाई अलग अलग है. दूसरा बीच में इज इक्वल टू का चिन्ह है. बीच में इज इक्वल टू का चिन्ह है. और तीसरा इसमें अपन कितनी कोई भी दूरी मापक के अनुसार मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं. जैसे उदाहरण के लिए आप लिए थे 1 इंच बराबर है 1 मील के, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के, 1 इंच बराबर है 10 मील के,
एक सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर के। अब दूसरा लेते हैं उपलक्षक भाग रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। इसमें जब मील को इंचों में कन्वर्ट कर देंगे और किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आ जाएगा। जैसे एक इंच एक अनुपात 10 लाख, क्योंकि एक मील में एक अनुपात 6 लाख क्योंकि एक मील में 63,360 इंच होते हैं। फिर देखिए एक मील में 63,360 इंच होते हैं और एक किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसके अनुसार एक अनुपात 10 लाख। अब इसकी विशेषताएं किसकी? आरएफ की, कथनात्मक उपलक्षक भाग की या रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन की। इसमें माप की इकाई एक ही है, इंच है इंच है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है, इंच है फर्लोंग में इंच है और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है। इसमें आप देखिए इसकी विशेषताएं, पहली माप की इकाई एक ही है, दूसरी बीच में के अनुपात में इन प्रोपोर्शन टू का चिन्ह है और इसके अनुसार मापक का दूसरा रूप प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद तीसरा लेते हैं लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में जब कथनात्मक रूप को या उपलक्षक भाग को रेखा में प्रदर्शित करके मानचित्रों पर प्रदर्शित कर दिया जाए उसको रेखिक रूप कहते हैं। इसमें आमतौर से जब इंचों में रेखा लेते हैं तो 6 इंच लेते हैं और सेंटीमीटरों में रेखा लेते हैं तो 15 सेंटीमीटर लेते हैं। जैसे कथनात्मक रूप 1 इंच बराबर है 1 मील के। इसमें लीनियर स्केल बनाने के लिए 6 इंच लंबी रेखा लेंगे, उस रेखा को 1-1 इंच के 6 बराबर भाग में बांट देंगे, पहले को छोड़कर 0 लिखेंगे, बाईं ओर 1, दाहिनी ओर 1, 2, 3, 4, 5 माइल्स। इसकी विशेषता है रेखिक रूप की कि इसमें 0 के बाईं ओर माप की मुख्य माप की छोटी इकाई भी लिखी जाती है। जैसे इसके 4 भाग कर देंगे तो आधा मील, चौथाई मील, आधा मील, पौन मील और 1 मील। इसी प्रकार जब दूसरा उदाहरण लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के, तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेनी है, इसके 1-1 सेंटीमीटर के 15 बराबर भाग कर लेने हैं, वही पहला छोड़कर 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 और 14 किलोमीटर। इसमें सबसे इसकी विशेषताएं इंचों में 6 इंच, सेंटीमीटरों में 15 सेंटीमीटर, मानचित्र के अनुसार ये रेखा छोटी बड़ी हो सकती है। इसकी विशेषताओं में इसमें मुख्य माप की छोटी इकाई भी प्रदर्शित की जाती है, जैसे आधा मील, चौथाई मील, आधा मील, पौन मील, एक। इसी प्रकार से चौथाई किलोमीटर, आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर और एक किलोमीटर। दूसरा, इसके ऊपर तथ्यात्मक रूप लिखा जाता है, 1 इंच बराबर है 1 मील के, और इसके नीचे उपलक्षित भाग प्रदर्शित किया जाता है 1:63,360, क्योंकि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के, और इसके नीचे 1:1,00,000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ये मापक की इकाई को प्रदर्शित करने के, किस पर प्रदर्शित करने के, मानचित्र पर प्रदर्शित करने के 3 रूप होते हैं। अलग अलग मापकों में जैसे 1 मील में 63,360 इंच, 1 किलोमीटर 1,00,000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1,000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मील 8 फरलांग, 1 फरलांग 220 गज, 1 गज 36 इंच, और इसी प्रकार से अन्य मापकों को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार 1 एकड़ में 48-40 गज, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 36 क्रम और 40 क्रम, 1 क्रम में 5.5 फुट, यदि इसको गुना करके देखेंगे और उसको 9 से भाग दे देंगे तो वो 4,840 गज आएगा। इसी प्रकार विभिन्न मापकों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। बिना मापनी के, मापक के या स्केल के कोई भी मानचित्र पूरा नहीं समझा जाता, क्योंकि बिना मापक के उसका अध्ययन करना बड़ा कठिन होता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।